Good morning students and my dear friends. Today is 19th of October 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture pdf, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. On this very Telegram channel, you may also find the top news headlines from ET Mint and Business Standard. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is cry forgive learn move on let your tears water the seeds of your future happiness these are the mint newspaper headlines and in today's discussion we are going to cover these news headlines from business standard so let's start with today's discussion and look at into the article number one given on page number one of business standard एंड विद दिस आर्टिकल वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वन मोर आर्टिकल दैट इज गिवेन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड गमेंट इनक्रीज एम एस पी फॉर वीट बाई फाइव पॉइंट फोर सिक्स परसेंट रबी की प्लांटिंग का जो सीजन है वो आने वाला है दैट इज एक्चुअली पिकिंग अप और उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्यूजडे को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर सिक्स मैंटेड क्रॉप्स उसको रिवाइज किया है और इसके साथ ही जो होल वीट प्राइस है उसका जो एम है वो जो न्यू एम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2125 पर कुंटल तक पहुंच गया जो कि पहले अप्रॉक्सीमेटली दो हज़ार था तो रबी फसल की बुआई से पहले रबी फसल की सोइंग से पहले प्लांटिंग से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एम एस पी के प्राइस हैं वो रिवाइज़ किए हैं जस्ट टू मोबलाइज जस्ट टू एनर्जाइज जस्ट टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए बूस्ट करने के लिए फार्मर्स की इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए ये एम एस पी हाइक का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्यूजडे को अनाउंस किया है और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो जो होल वीट का जो प्राइस है एम है वो 2018 से लेकर के अभी तक का सबसे हाईएस्ट इंक्रीज है होल वीट के केस में हावल अगर मार्केट सिचुएशंस की बात करें ट्रेडिंग की बात करें तो वीट जो है वो अभी इस जो न्यू एम है इससे भी कई टाइम ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है तो जो न्यू सपोर्ट प्राइस है जो न्यू एम है वीट की एक्चुअल ट्रेडिंग उससे भी ज़्यादा हो रही है अभी मार्केट में और हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था कि वाई द प्राइस ऑफ वीट आर इंक्रीजिंग एंड वॉट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन दिस इंक्रीज़ इन वीट प्राइस और कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने ये न्यूज़ कवर करी थी अगर आपको जाना है तो आप जा कर के कल की न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं और उसी वीट प्राइस में इंक्रीज़ की वजह से जो फार्मर्स थे वो बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स को या ओपन मार्केट में अपने वीट के प्रोडक्ट्स को या वीट की फसल को सेल कर रहे थे क्योंकि जो मार्केट प्राइस है जो ट्रेडिंग प्राइस है वो एम से ज़्यादा थे तो दिस वॉज एक्चुअली एप डिसीजन बाई गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एम एस पी ऑफ वीट और अदर सिक्स क्रॉप्स बट लेकिन अभी भी जो नई एम एस पी है जो नया सपोर्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से लोअर है तो जो ड्रॉप देखने को मिल रहा था ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट में फ़ूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करता है जो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज स्टोरेज हाउसेज में जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली सत्तावन परसेंट तक डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन एम एस पी एंड मार्केट प्राइस तो एक तरह से इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी या जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है हालांकि ये जो एमएसपी में इंक्रीज़ है क्या ये एक्चुअली में ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को इंपैक्ट करेगा क्या गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा इससे क्यों क्योंकि अभी भी जो मार्केट प्राइस है ट्रेडिंग प्राइस है वो एम से ज़्यादा है और डेफिनेटली फार्मर्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि जो अपना प्रोड्यूस है वो प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करें रादर देन गोइंग फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑल दिस इज़ अबाउट द वीट लेकिन अगर हम अदर क्रॉप्स की बात करें जैसे कि मस्टर्ड हो गया लेंटिल मसूर की दाल हो गई इन दोनों केसेस में जो अदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सिक्स मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उनमें अगर हम देखें प्रोक्योरमेंट तो उनमें प्रोक्योरमेंट पिछले साल के कंपेरिजन में इंक्रीज़ हुआ है आठ और नौ परसेंट तो वीट के जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे उसी की वजह से गवर्नमेंट ने बेसिकली ये रिविजन किया है तो इससे फार्मर्स को फेयर रेम्यूनोरेशन भी मिलेगा जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट को लेकर के टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट को लेकर के टारगेट रखा है उस टारगेट को अचीव करना भी सेप्टेंबर तक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस ऑफ वीट अब क्वेश्चन ये होता है वाई गवर्नमेंट इज सो क्यूरियस वाई गवर्नमेंट इज सो एक्टिव ऑन दिस ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट क्योंकि अगर हम देखें तो फूड स्कीम जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसके लिए जो फूड बेसिकली वीट और राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए जो कि दिसंबर तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड भी कर दी थी गवर्नमेंट को एक सफिशेंट स्टॉक चाहिए एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस वीट एमएसपी इंक्रीज लेट एस सी वेदर दिस इंक्रीज इन एम एस पी विल एक्चुअली इंपैक्ट द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और गवर्नमेंट स्टोरेज टारगेट और नॉट दिस इज द रेजिंग बार Of wheat MSP for financial year 2023 to 2024 season rupee in terms of so this is lentil mustard barley wheat safflower and gram and this is a percentage change that has been done under new proposed MSPs तो ये तो बात रही एम की एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल इनकम को बूस्ट करने की अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर चार पर दी हुई इन्फ्लेशन एड्स इंटू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री रियल रूरल वेज ग्रोथ तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री तो इसके इनिशियल पाँच मंथ्स में जो फर्स्ट फाइव मंथ्स हैं उस पर्टिकुलर मंथ में जो रियल रूरल इनकम है जो रियल रूरल वेज है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो गई है और निगेटिव हो गई है इन द इनिशियल फाइव मंथ्स ऑफ करंट फिजिकल ईयर हालांकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में विजिबल ऑप्टिक विजिबल इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो रूरल वेजर्स हैं उसमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है और अगर डेटा को और क्लियरली देखा जाए तो जो ग्रोथ हुई है नॉमिनल टर्म्स में दैट एक्चुअली रिमेन्स टेगनेंट और स्टडी बट द शार्प राइज इन इन्फ्लेशन हैज़ एक्चुअली ईट एन अप द इंक्रीज इन वेजेस तो इन्फ्लेशन में इन इंक्रीज होने की वजह से जो एक्चुअल इंक्रीज हो रहा था नॉमिनल टर्म में जो भी इंक्रीज हुआ है वेजेस में उसका इम्पैक्ट वो भी या उसकी विजिबिलिटी भी ज़ीरो हो गई है क्योंकि जितने पेस में इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतने पेज में जो रियल रूरल वेजेस हैं उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही तो जो एक्चुअल इंट्रीज हो भी रहा है रियल रूरल वेजेस में वो इन्फ्लेशन की वजह से नलीफाई नलन वाइड हुआ जा रहा है और अगर हम रीसेंट डेटा देखें लेबर ब्यूरो का जो कि रियल रूरल वेज पे पब्लिश होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर और स्पेशली, मेल का जो ग्रोथ रेट अगर उसको देखें मेल वेज का जो ग्रोथ रेट है उसको देखें तो दैट इज एक्चुअली लेस देन वन परसेंट विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेज सिनेरियो इन रूरल एरिया तो वन परसेंट से कम की ग्रोथ देखने को मिल रही है किस में जनरल एग्रीकल्चर लेबर मेल के केस में और इवन फर्स्ट अगर टू मंथ देखें इस फल इस फिजिकल ईयर के तो उस फर्स्ट टू मंथ में तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला ग्रोथ है ही नहीं दो महीनों के बाद कुछ एक्चुअली ग्रोथ देखने को मिली और हालांकि ग्रोथ जो वो वन परसेंट से लो थी और इन्फ्लेशन जो हम सभी जानते हैं कि सेवन और सिक्स के पॉइंट पर चल रहा है तो वन परसेंट और सेवन और सिक्स के परसेंट को अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो इंक्रीज हो भी रहा है वो भी विजिबल नहीं है ऑन द ग्राउंड और ये जो डेटा है रूरल वेज का मनरेगा में जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट डिमांड बढ़ रही है ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि जो रूरल सेक्टर जो रूरल इकॉनमी है वो अभी फ़िलहाल के लिए डिज़ायर पेस से ग्रो नहीं कर रही और ऐसा नहीं कि हमें इनिशियली देखने को मिला है फाइनेंशियली ट्वेंटी के इनिशियल मंथ से जो रूरल इकॉनमी है वो इम्पैक्ट हो रही है

इंडिया और यूके के बीच में यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है पिछले वो पिछले कुछ हफ्ते से न्यूज़ में कंटिन्यूसली हर दिन हम कोई ना कोई न्यूज़ इंडिया और यूके के के एफ के बारे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं अभी हमने रिसेंटली ये डिस्कस किया है कि जिस तरीके से इशूज़ पॉपअप हुए हैं इंडिया और यूके के बीच में लेबर माइग्रेशन को लेकर के डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के और कुछ अदर ट्रेड रिलेटेड इश्यूज जो अभी जनरेट हुए हैं इन सब इश्यूज की वजह से इंडिया और यूके के बीच में जो एफ टी साइन होने वाला था बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो पोस्टपोन हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तक क्योंकि दोनों ही साइड यूके और इंडिया दोनों ही साइड फ़िलहाल के लिए इन इश्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है अब आज की न्यूज़ में क्या है आज की न्यूज़ में भी ऐसे ही डेड या बॉटल की बात करी गई है जहाँ पर कहा गया इंडिया जो है वो बहुत अनलाइकली है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि किस तरह का कमिटमेंट करे और न्यू जनरेशन न्यू जेन ट्रेड इशू सच एज लेबर एंड एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया इज़ लाइकली टू पुश टू मेक चैप्टर ऑन दीज इश्यूज़ एज बेस्ट एंड डिवर्स इन नेचर इट मीन्स इट मीन्स सिंपली कि इंडिया फिलहाल के लिए एफ टी की टेबल पर किसी भी तरह के इन्वायरमेंट रिलेटेड बाइंडिंग कमिटमेंट पर एग्री नहीं करेगा इंडिया जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड और लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं उनको फिलहाल के लिए एक चैप्टर बेस्ट इंडिया वर में डालना चाह रहा है किसी भी तरह का बाइंडिंग कमिटमेंट इंडिया नहीं चाह रहा इन्वायरमेंट और नेचर और इकोलॉजी से रिलेटेड तो हो सकता है कि जो डिस्कशन है दैट कुड कुड बी टेकन अप ऑन लेटर स्टेज एज ऑफ नाउ इंडिया इज नॉट वेरी मच की नॉट वेरी मच रेडी फॉर एनी शॉर्ट ऑफ बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन दिस लेबर एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज तो जो न्यू ट्रेड इशूज हैं इस पर इंडिया एग्री नहीं करना तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह है कहना है कि अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई बिकॉज इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ब्रिटेन जो है वो क्या एक्चुअली में एफ टी ए को अब आगे ले जाता है उस पर साइन करेगा जबकि इंडिया किसी भी तरह के बाइंडिंग कमिटमेंट्स पर एग्री नहीं हो रहा ऑन न्यू ट्रेड इशूज और अगर अभी का सिनेरियो देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं स्पेशली वेस्ट कंट्रीज़ चाहे वो ई हो चाहे वो यू हो उनके लिए जो नए वेज नए या न्यू एज ट्रेड इश्यूज़ हैं जस्ट लाइक इन्वायरमेंट इकोलॉजी लेबर ये प्राइमरी कंसर्न रहे एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पैक्ट जितने भी ट्रेड पैक्स साइन किए हैं इन कंट्रीज़ ने ई यूज़ ने यू एस ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स के साथ उन सारे पैक्स में इन्वायरमेंट और जो लेबर रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो बहुत इम्पॉटेंट रहे हैं और कंट्रीज़ ने बेसिकली बाइंडिंग कमिटमेंट भी किए हैं इंडिया एज ऑफ नाउ कोई भी तरह का बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं करना चाहता इकोलॉजी को लेकर के इन्वायरमेंट को लेकर के क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल और मल्टी नेशनल फोम्स में तो अब ये देखना है कि जब कि इंडिया ने मना कर दिया कि इंडिया किसी भी तरह के इन्वायरमेंट रिलेटेड कमिटमेंट्स को फ़िलहाल के लिए एफ में इंक्लूड नहीं करेगा तो क्या यू उसी इंटरेस्ट के साथ इस एफ़ की डील को साइन करेगा अभी तक यूके की हिस्ट्री में यूके ने कोई भी ऐसी डील या एफटीए साइन नहीं किया है जहां पर लेबर स्टैंडर्ड और इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड इंक्लूड ना किए गए हों तो क्या इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि इंडिया एग्री नहीं कर रहा लेबर स्टैंडर्ड और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड रिलेटेड इशूज पर किसी भी तरह के बाइंडिंग कमिटमेंट के लिए एंड इफ इंडिया विल पुश दिस प्रपोज दिस एज अ बेस्ट इंडेवर चैप्टर एक्सपर्ट्स आर नॉट श्योर वेदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक दिस एफ टी ए फर्दर और नॉट क्योंकि एक इन्वायरमेंट और लेबर रिलेटेड इशूज़ के अलावा अदर इशूज़ भी हैं रिसेंटली यू के ने एक एफ टी ए साइन किया था ऑस्ट्रेलिया से जहाँ पर इस पर्टिकुलर लेबर स्टैंडर्ड और इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ को लेकर के भी बात हो थी जहाँ पर उस पर्टिकुलर एफ टी ए में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यू के ने इन्वायरमेंट और लेबर रिलेटेड स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया था So let us see whether this particular issue will actually hamper the India UK FTA or if UK will give certain relaxation to India on labor and environment. इशूज सो दीज आर द की points ऑफ दिस आर्टिकल यू मे जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट अब देख लेते हैं समाधान न्यूज क्लिप्स. बॉटम अप्रोच रिक्वायर्ड इन फिक्सिंग डाइवेस्टमेंट टारगेट पिछले कुछ तीन सालों से जब से गवर्नमेंट ने और नीति आयोग ने साथ में मिलकर के डिस इन्वेस्टमेंट का डाइवेस्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन का मोनिटाइजेशन का जो इनिशियटिव लिया है तो हर साल गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू के लिए डिस इन्वेस्टमेंट का डायवेस्टमेंट का टारगेट सेट करती है और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक हर बार वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है कि पिछले कुछ दो सालों से अगर हम देखें तो जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने रिवेन्यू जनरेशन का थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट प्रोसेस वो अनअचीवेबल रह जा रहा है तो जितने भी पी एस यूज़ हैं अब उसमें गवर्नमेंट ने इस बार भी उन पर अपना टारगेट सेट किया है कि कितना 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 इन्वेस्टमेंट करना है और क्या टारगेट रहेगा गवर्नमेंट इज काउंटिंग ऑन द स्केल ऑफ इट्स माइनॉरिटी स्टेक्स इन हिंदुस्तान जिंक एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशंस टू मीट द डिसन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी फाइव के करोड़ इन करंट ईयर तो ये टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का तो उसी को लेकर के एक इंटरव्यू है किसका इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में दीपम बोलते हैं उसके ही सेक्रेटरी का इंटरव्यू है जहाँ पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट जो है अभी तक अपना सिक्सटी फाइव के करोड़ का हाफ टारगेट भी अचीव नहीं कर पाई और हम क्वार्टर थ्री तक एंटर कर चुके हैं तो क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस और, और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है आगे आने वाले मंथ्स में तो उसको लेकर के जो दीपम केसे कहती के हूँ उनका ये कहना है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट का अप्रोच है दैट इज़ राइट बट अ लिटिल मोर ऑफ बॉटम अप अप्रोचेज रिक्वायर्ड रादर देन टॉप लाइन अप्रोच अभी गवर्नमेंट के लिए अभी जो गवर्नमेंट है वो टॉप लाइन अप्रोच मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हमारे इतने स्टेक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पी एस यूज में और उनका इतना परसेंट जो है वो हमें डिसइनवेस्ट करना है लेकिन अगर गवर्नमेंट इस टारगेट को सेट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करती है मीज़ नीचे जो पी एस यूज हैं उनसे पूछती है रादर देन कम्युनिकेटिंग देम फ्रॉम टॉप टू लोअर इफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व द लोअर मैनेजमेंट और द लोअर पीपल और द लोअर सेगमेंट इनटू टू द डिस्कशन डेलिब्रेशन और टारगेट सेटिंग प्रोसेस इट विल बी बेटर और जो भी उस समय जो गवर्नमेंट टारगेट सेट करेगी जो गवर्नमेंट उस समय जो प्रोसेस अडॉप्ट करेगी वो गवर्नमेंट को डिस टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगी क्योंकि बॉटम टू आप अप्रोच में बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल इशूज होते हैं उनको ओवरकम करने का टाइम मिलता है गवर्मेंट को अथॉरिटीज़ को एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ओनली अभी के लिए गवर्नमेंट का जो टॉप लाइन अप्रोच है वो उसकी वजह से जो डिस के टारगेट हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे इसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन और कॉनकोर के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जो इस ईयर प्लान है सो लेट अस सी कि इस बार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक और कौनकोर दैट इज कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मोनेटाइजेशन या डिस इन्वेस्टमेंट हो पाता है या नहीं अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप हाउ रेडी इज़ इंडिया टू सेल फाइव जी टेक ग्लोबली ड्यूरिज तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल टाइप का या एक एनालिसिस टाइप का आर्टिकल है जो कि पेज नंबर चार पर ही दिया हुआ है इसमें यह डिस्कस किया गया है कि जिस तरीके से इंडिया ने फाइव जी लॉन्च किया है और जो गवर्नमेंट का अप्रोच है फाइव जी टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या अप्रोच है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पर एक लीडिंग 5G सर्विस प्रोवाइडर कंट्री बनकर के सामने आए तो उसको लेकर के ये एनालिसिस है कि इंडिया कितना रेडी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी पॉलिसीज़ के साथ अपने फ्रेमवर्क के साथ कि वो 5G टेक्नोलॉजीज ग्लोबली प्रोवाइड कर पाए तो बेसिकली इसमें इन्हीं चैलेंजेस को डील किया गया क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मैं जा के यू की यूनिवर्सिटी में जा कर के कुछ दिन पहले सबको सरप्राइज कर दिया था यह कह के कि इंडिया जो है वो फ़िलहाल के लिए हिस्टोरी लिखने स्टोरी की तरह हिस्ट्री लिखने जा रहा है जहाँ पर इंडिया विल बी द लीडिंग 5G जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड टू द अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड सो इंडिया कैन नाउ प्रोवाइड 5G जी टेक्नोलॉजीज टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हमने देखा भी कुछ कुछ सिटीज़ में एयरटेल और जियो ने 5G जी सर्विसेज लॉन्च भी कर दी हैं ऑल गवर्नमेंट का जो जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा एम्बीशियस है क्योंकि जो होम ग्रोन टेलीकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट कंपनीज हैं उनका ये है कहना है कि अभी फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ इंडिया रेडी नहीं है 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ग्लोबली 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की इमेज को कैरी करने के लिए क्योंकि देर आर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी नॉम दिस इज़ वन ऑफ द वेरी विशफुल थिंकिंग क्योंकि दिस रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और फंडिंग सपोर्ट गवर्नमेंट से भी चाहिए होगा अगर गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पर फाइव टेक्नोलॉजी का गेम खेलना जारी है बट क्लियरली द गवर्नमेंट विच इज़ पुशिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेली नेटवर्क प्रोडक्ट थ्रू द पी एल आई स्कीम बिलीव दैट इट कैन बी डन तो गवर्नमेंट ने पी एल आई स्कीम तो लाई है टेलीकम्युनिकेशन के लिए और गवर्नमेंट को लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है फंडिंग रिक्वायरमेंट है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की वो पूरी होगी और इंडिया जो है वो एक लीडिंग फाइव जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन के सामने आएगा ग्लोबली तो ये बेसिकली जिस्ट है आप अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए आप इस आर्टिकल को पूरा रीड कर सकते हैं अदरवाइज कंक्लूजन और जस्ट मैंने डिस्कस कर लिया अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप पुअर रोड एन एच ए आई टू होल ऑफिशियल्स लाइबल फॉर फेटल एक्सीडेंट्स रिसेंटली और इवन बहुत टाइम से ये जो रोड एक्सीडेंट्स स्पेशली जो नेशनल हाईवेज़ पर जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो उनको लेकर के वॉइस उठ रही हैं रिसेंटली कुछ बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट और इस पर्टिकुलर पॉलिसी एरिया की तरफ ध्यान दे रही है एज ऑफ नाउ एन एच ए आई दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि एन एच ए आई जो है वो ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल मानेगी किस लिए फॉर एनी टाइप ऑफ फेटल और सीरियस एक्सीडेंट्स दैट अकर बिकॉज ऑफ द पुअर रोड इंजीनियरिंग वर्क रोड की कंडीशन अगर ख़राब होने की वजह से फेटल और सीरियस एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो ऐसे ऑफिशियल जो उसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं जो उसके मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं उनको अकाउंटेबल और लाइबल किया जाएगा एज ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके लिए एन ने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफिशियल्स को ये आ गया कि किसी भी तरह के क्वालिटी सर्टिफिकेट देने से पहले इंस्पेक्शन से पहले सारे सेफ्टी इश्यूज को देख लें अदरवाइज दे विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी शॉर्ट ऑफ पीटल और सीरियस एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे मे बी अ फर्स्ट स्टेप फॉर इंश्योरिंग द पैसेंजर सिक्योरिटी अब देख लेते हैं नेक्स्टली बैंक्स ऑफर ओवर थ्री ईयर्स हाई रेट टू रेस वन वाया अज तो हमने ये न्यूज़ कई बार इस तरह की न्यूज़ डिस्कस करी है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हम फिर से रिवाइज़ करें तो रीसेंट टाइम में जो क्रेडिट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है हालांकि जो डिपॉज़िट रेट है वो उतने पेस में या उतने रेट में नहीं इंक्रीज़ हो रहा है इसके अलावा आर जिस तरीके से मोनिट्री पॉलिसी टाइटनिंग कर रही है उसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए फ़ंड करना जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको फंड करना उसके लिए प्रॉपर क्रेडिट फ़ंड अवेलेबल होना बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट चल रहा है उसको प्रॉपरली फंड कर पाना बैंक के पास फंड अवेलेबिलिटी नहीं है फंड अवेलेबिलिटी क्यों नहीं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है इसके अलावा जिस तरीके से डिपॉजिट रेट होना चाहिए एक सर्टन क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट रेट को सपोर्ट करने के लिए एक सर्टन लेवल का डिपॉजिट रेट रिक्वायर होता है तो डिपॉजिट जो है वो पैंडमिक के ड्यूरेशन से फॉल होना शुरू है अभी तक वो पिकअप नहीं हो पाया है तो डिपॉजिट रेट फॉल होने की वजह से बैंक्स के पास फंड नहीं है जिसके पास जिसकी वजह से बैंक जो है लोन की रिक्वायरमेंट जो लोन की ज़रूरत है फिलहाल के लिए इकॉनमी में जो फंड की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे और इसी के लिए और इसी डिपॉजिट रेट को इम्प्रूव करने के लिए बैंक्स पिछले कुछ टाइम से हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट सर्विसेज और products so commercial banks are now offering the highest interest rate in थ्री एंड हाफ ईयर्स टू रेज द डिपॉजिट फ्रॉम द मार्केट एमिट द नाइन ईयर्स हाई क्रेडिट ग्रोथ है तो अगर करंट क्रेडिट ग्रोथ रेट को देखा जाए तो पिछले नौ सालों का सबसे हाइएस्ट ग्रोथ रेट पर है इस समय क्रेडिट ग्रोथ इट मीन्स मार्केट में जो लोन है फंड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास सरप्लस जो फंड है वो श्रिंक कर रहा है बिकॉज बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and because of the lower deposit rate and that is why now commercial banks are offering more and more higher interest rate on cd's what are series certificate of deposits that is issued by public sector banks to rate fund have surged approximately 58 basis point even in spite of being the टाइट मॉनिटरी पॉलिटी मॉनिटरी पॉलिसी सिचुएशन टाइट मॉनिट्री और फंडिंग सिचुएशन और लिक्रेडेड सिचुएशन बैंक आर ऑफरिंग हाई इंटरेस्टेड इसलिए डिपॉजिट रेट बढ़े डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास फंड आएगा बैंक के पास फंड आएगा तो बैंक, आएगा, तो बैंक अपना जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसको उसको फंड कर पाएंगे जो क्रेडिट डिमांड है उसको सैशुएट कर पाएंगे और बैंक्स क्यों क्रेडिट डिमांड को सैशुएट करने की इतना कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स के लिए एक्चुअली में असर जो होते हैं उनके लोन से होते तो लोन से ही उनकी इनकम जनरेट होती है प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो अगर बैंक्स के लोन नहीं इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली का जो इनकम है वो इंपैक्ट करेगा और जबकि ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी क्रेडिट ग्रोथ रेट कंट्री में सबसे ज्यादा है तो बैंक्स आर टेकिंग दिस एन अपॉर्चुनिटी टू तो इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवेन्यू अब देख लेते हैं एक एडिटोरियल है जहां पर बेसिकली कोविड नाइनटीन के ड्यूरेशन में जो एक सडन फ्लक्चुएशन देखने को मिला बिलेर की लिस्ट में कुछ जो अमीर लोग थे वो लिस्ट से हट गए कुछ नए अमीर लोग या बिले इंडिविजुअल्स जो हैं वो लिस्ट में एड ऑन हुए उसको लेकर के ही ये एडिटोरियल है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स कोविड 19 के ड्यूरेशन में देखने को मिले और उन स्टार्टअप्स ने ऐसा पिकअप किया जैसा किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था तो दिस इज द ग्राफ अबाउट द वेल्थ ग्रोथ सिंस डिसम्बर 31 2019 जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया ओमिक्रॉन वेरियंट आया और अब जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही तो ये सडन जो सिचुएशन चली थ्री वेव्स ऑफ कोविड नाइन्टीन और वन जियो पोलिटिकल सिचुएशन उसके ड्यूरेशन का उसके टाइम पीरियड का ये वेल्थ ग्रोथ का डेटा दिया हुआ है कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि पैंडमिक के ड्यूरेशन में एक सडन इंक्रीज़ देखने को मिला था वेल्थ ग्रोथ में फ्यू सी ऑल थ्री वेव्स में लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही उस ड्यूरेशन में जो वेल्थ और जो बेलनर्स हैं उनकी ग्रोथ में हमें फॉल देखने को मिला एक सिग्नीफिकेंट फॉल देखने को मिल रहा है तो कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन जो कि बहुत सारे लार्ज सेक्शन और लार्ज मास्क के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही पो, पो, पावर्टी जो है उसमें इंक्रीज देखने को मिला एक साइड बट दूसरे साइड जो बिलीनियर्स थे उनके नंबर्स और उनकी वेल्थ में हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला तो इन इक्वालिटी जो है वो कोविड नाइन्टीन के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई एंड दैट इज इन दिस आर्टिकल इट इज सेड दैट इट वॉज अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइज ऑफ बिलीनियर्स ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन एंड फॉल ऑफ कोविड बिलीनियर्स जो कि कोविड नाइन्टीन के ड्यूरेशन पेंडेमिक के डूरेशन में बिलीनियर्स हुए थे उनका रशिया यूक्रेन क्राइसिस समय जो फॉल देखने को मिला इट्स अ पिक्यूलियर सिचुएशन सो दिस इज ओवरऑल जस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे गो इन डिटेल दिस कोविड बिलियनर्स आर बेसिकली कॉल्ड एस ब्लू मून बिलीनियर्स और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से इसमें अब डेक्ट लाइन देखने को मिल रहा है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट लेक्चर पी डी एफ यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे